कंचन की पीठ रीढ़ की हड्डी मेरे पिता तुम्हें बुजुर्गो मेरी माताएं बहने युवा साथ है। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि छोटे से बुलावे पर आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उस पर विचार विमर्श करने आप सभी कार्यकर्ता साथी यहां पहुंचे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद। मेरे स्कूल पहुंचने से बहुत से साथियों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और आपको भी पता जो तो भाषण दे रहा था तो साथियों के वो पॉइंट अपने नोट करवाने का काम किया। मेरी गैर मौजूदगी में भी जो बात कही गई मौजूदगी में कही गई बातों से भी गंभीरता से उन बातों पर काम करने का कार्य कई बार क्या होता है मौजूदगी के अंदर केवल मास्टर पद अधिकारी और सीनियर साथ की बातें रख सकते हैं मगर कई ऐसी चीज है जो गांव देहात से कार्यकर्ताओं से सुनकर जब उन पे एक्शन लिया जाए तो ज्यादा संगठन में अच्छे बदलाव भी आते हैं और संगठन मजबूत भी होता है। पार्टी फर्ज देती है जिम्मेवारियों और वो कई चीजों पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिए जाते हैं और पद को एक प्रोजर की निशानी है, पद एक जिम्मेवारी है। जैसे लोग हमें सांसद विधायक चुनकर भेजते हैं तो अपना नेतृत्व करने भेजते हैं और संघ जब किसी को जिम्मेवारी देकर भेजता है तो इसलिए भेजता है कि संगठन के कार्यकर्ताओं को समूह को एकजुट रखकर उनकी समस्याओं में निरंतर निवारण करकर संगठन को बढ़ाया कैसे जाए उस पर काम किया जाए। पहले आपके पास और आपके बीच में बहुत बार आने का मौका मिला, संगठन का नाम अलग, बहुत से ऐसे साथी थे जो आज हमारे बीच में, बहुत ऐसे साथी हैं जो संगठन के सिवाय और पार्टियों से पिछले चार महीनों में हमारे बीच में आए। बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो पहले घर बैठा करते थे पर आज एक परिवर्तन के लिए बदलाव के लिए निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं पहले उन साथियों का धन्यवाद करूंगा जो शायद आज यहां मीटिंग का समय तो 2 बजे का था पर सुबह 9 बजे आकर दरी बिछाने का काम कर असली कार्यकर्ता जो गांव में जाकर एक दिन पहले घर घर जाकर समाचार पहुंचाने का काम करते। साथियों जिले में कल 2 नियुक्तियां और पत्रकार साथियों के लिए प्रेस की जिम्मेवारी और उसके साथ दफ्तर को बढ़िया ढंग से सुचारू तौर से चलाया जाए उसके लिए ऑफिस इंचार्ज की जिम्मेवारी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जहां पहले हमें एक समस्या मिलती कि मेरे समाचार नहीं आता, मेरे को मीटिंग का पता नहीं चलता, ये समस्याएं दिन प्रतिदिन आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आज तो एक व्हाट्सएप पे एक एसएमएस पे या एक घंटी मारकर 4 हल्के चारों में 5 मिनट में समाचार पहुंचाया जा सकता है। इसलिए आपसे निवेदन करता, कई लोग कह रहे हैं पहले 12 साल 14 साल 10 साल ऐसे रहा, आप उसको भूल जाओ, पहले जैसे रात ऐसे भी हो, पहले जो मेरा देखा हुआ है रोहतक जिले के अंदर 3 गुट, जिला अध्यक्ष का गुट, जिला अध्यक्ष के खिलाफ गुट और तीसरा गुट था जो श्रीमान लोकदली चौधरी देवलाल का गुट था।
आप सबसे निवेदन करता हूं, आज जब रोहतक जिले की बात करते हैं तो सोने की खदान जैसा है। तो खदान इसलिए बोल रहा हूं कि ढूंढने के बाद जाते ही सोना मिले। आज काम करने की जरूरत है, आज हमें जरूरत है एक एक व्यक्ति से संपर्क साधने। आज जो हालात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, ऐसे हालात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 98-96 में देखने को नहीं मिलते, और उस समय भी चौधरी देवीलाल को उन्हें हराने का काम किया, या सरकारी मशीनरी से हराने का काम किया। पर आज एक बदलाव की चाह लोगों को एक गुलगुला सा फूटता दिख रहा है। जो चार पांच हल्के ऊपर वाले गजरवाड़ी कोचली, उनमें एक बदलाव बहुत जल्दी आ रहा है, आपके जिले के अंदर भी उसकी शुरुआत। मगर उस बदलाव के ऊपर जीत आपकी जब होगी, जब निस्वार्थ भाव से एक एक कार्य करता अपनी आवाज को बुलंदी दी। अभी एक भाई आया मेरे कान में बोलने गया, क्या भाई साहब मैं एससी हूं, मेरे को भी ऊपर बैठने दे। उस भाई को बोलना चाहूंगा एक बार मंच पे आके देखने का काम कर और शुरू कर ले रमेश खट्टर जी की कौन सी जाति है, देख संजीव जी कौन सी के है, सैनी साहब कौन सी के है, सूरज सिंह खटक जी बैठे। पहली बार है कि आपके संग मेरे को गालियां पड़ती है, इसने दे दी पद, इसने दे दिया पद, इसने दे दी। मेरे को पता है कि एक एक जिले के अंदर हर जाति के एक एक कार्यकर्ता को बराबर सम्मान मिले, और एक जाति विशेष तक हम सीमित ना रहकर 36 बिरादरी के अंदर इस पर हम आज काम कर रहे हैं। जरूर कई फैसले हमसे भी जल्दबाजी में ले लिए जाते हैं, पर साथियों जब संगठन की बात आए तो कार्यकर्ता का एक ही फर्ज होता कि उन फैसलों के साथ संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर काम कर। आज हमारा लक्ष्य तो ये है, हमारे सामने तो दो दुश्मन कांग्रेस और बीजेपी। अगर हम आपसी में यह सोचने लगे कि ये क्यों आ गया, ये कैसे आ गया, ये कब आ गया, इसका मतलब हम दूसरों को हराने की नहीं सोच रहे। हम तो खुद ये सोच रहे हैं कि ये छोड़ दो पहले इसने मारा। अगर यही सोचते रहेंगे तो फिर रोहतक जिले के अंदर सूर्य उदय और उजाला हमें देखने को नहीं मिले। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, मैं त्रिपुर को रोकता कह रहा था कि एक जीत ले दो जीत ले, एक दो तक क्यों सीमित रहे। जीत के अंदर लोग कहते थे शहरी वोट नहीं आते, मिड्डा जी तो शहर के थे, 8,000 से ऊपर शहर वासियों ने वोट दी थी। दिग्विजय सिंह तो शहर का भी नहीं था, 16,000 वोट आए क्योंकि आप जैसे कार्यकर्ता। इस रोहतक की सीट को भी क्यों छोड़े, अगर हम स्वार्थ भुलाकर यह संकल्प ले ले कि हमें यह सीट जीतनी है, रोहतक विधानसभा को जीतकर जननायक जनता पार्टी का यहां से विधायक बनाना है, तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। अगर एक एक कार्यकर्ता अपना मोबाइल उठा ले, 20-20 फोन नंबर तो उसके पास शेयर नहीं मिल जाएंगे। अगर 20 नंबर है और 20-20 टेलीफोन करो दिन के, तो सोच लो कितने नए वोट जोड़ दो। मगर नियत और निष्ठा के साथ बदलाव आता है ऐसा, और नियत और निष्ठा अगर बदलाव की है, और अगर हम चाहते हैं असलियत के अंदर जननायक जनता पार्टी की सरकार बने, तो फिर हमें अगले 30-40 दिन अपना स्वार्थ भुलाकर, अपने पर आपसी मतभेद है उनको भुलाकर, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है। एक ही लक्ष्य है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष को और चौधरी देवीलाल जी के विचारों को हम घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे।
आज संगठन के अंदर एक बुद्ध दस युद्ध कार्यक्रम चल रहा है। एक बुद्ध दस युद्ध सुनने में आसान है, हमारी युवा की टीम दस दिन में फार्म भी भर जाएगा। और असलियत में एक बुद्ध दस युद्ध एक संगठन को बनाने के लिए सबसे मुश्किल चीज। आज एक बुद्ध दस युद्ध की बात करते हैं, 800-900 वोटों का एवरेज बूथ आता है। एक घंटे दस युवा साथी नहीं ढूंढे, सोच लो अपने अपने छोरों के नाम लिखवा दिए। ये कार्य नहीं करना। जब एक बूथ दस युद्ध की बात करते हैं तो हमें उस बूथ के अंदर देखना है कि हर बड़े थोड़े से हर 100 वोटों के वोटर लिस्ट में कौन सा एक मजबूत साथी जुड़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी है उन 100 वोटों पर निगरानी रखने, ये देखने का कि इन 100 वोटों में से अपना कौन सा है, बीजेपी का कौन सा है, कांग्रेस का कौन सा है, उनसे संपर्क कैसे साधा जाए, उनकी रिश्तेदारियां कहां है। और अगर नियम से रोक कर जिले के अंदर एक बूथ दस युद्ध प्रोग्राम का पूरा कर दोगे, क्या गुप्पी दीपू दोनों यहां चुनाव खड़े लड़के बैठ जाएंगे तो भी आपकी पार्टी चुनाव जीते। चाहे मोदी आ जाए मनीष ग्रोवर के लिए तो भी रोहतक विधानसभा को आप जीतने का काम करोगे, मगर उसके लिए कोटे के सारे पड़ेंगे, शरीर तोड़ना पड़ेगा। रात में 2 बजे आके दिल्ली पड़ा था, सुबह 6 बजे का उठना पड़ा, 4 घंटे की नींद है, मगर मेहनत क्यों, क्योंकि आप जैसे कार्यकर्ताओं का प्यार है। साथियों ये बदलाव तभी आएंगे जब अपना स्वार्थ अगले 40 दिन हम छोड़ दें और एक लक्ष्य के साथ चलेंगे, इस प्रदेश में हमें परिवर्तन लेकर आना है। और अगर नियत से परिवर्तन की सोच, मुझे याद है जब इंडियन नेशनल लोकदल से मुझे निकाला गया, सस्पेंड किया गया, मैं पहली बार 18 जनपद पर, बहुत से ऐसे साथी एक्शन ले लो, सोच समझ के हमने इंतजार किया, अगर उन्होंने पार्टी से काट दी, रस्ते खोल दिए, नई शुरुआत। आप लोगों के भरोसे एक एक कार्यकर्ता जो आज यहाँ बैठा है, छोटे हमारे बुजुर्ग हरी पगड़ी में भी पीले तुले करा ले, इन जैसों का भरोसा था कि हाँ बदलाव आएगा, चौधरी देवलाल के विचार आगे बढ़ेंगे। एक निर्णय ले लिया कि हाँ 17 तारीख को डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी के नेतृत्व में नई शुरुआत करेंगे, ना किसी का झंडा छीना, ना डंडा छीना, ना नाम छीना, एक कार्य लेकर चले, नई नियत के साथ काम करें। 9 तारीख को आप जैसे कार्यकर्ताओं ने मिलकर लाखों में जन समूह की धरती पर इकट्ठा किया और एक सोच के साथ किया कि हाँ हरियाणा में परिवर्तन, हाँ हरियाणा बदलाव चाहता है, उसको आगे लेकर के जीत का उपचुनाव 40 दिन में आया। किसी ने सोचा था कि एक पार्टी जिसका जन्म 40 दिन में हो वो 0 से 38 हजार में पहुंच गए, पिछली बार 22-23-29 की आंकड़ों के ढेर फेर में रहते। अगर जीतना है, अगर प्रदेश में सत्य में राज बनाना है तो हमारा लक्ष्य इस प्रदेश के अंदर 40 लाख वोट लेने का होना चाहिए। 40 लाख वोट आएंगे 10 लोकसभा और 90 विधानसभा को दूर की जीत नहीं। बदलाव आने में बहुत कम समय लगता है और आपने तो 87-89 के अंदर 80 के अंदर ऐसे ऐसे बदलाव ला रखे, हरियाणा की तो 10 जिताई, राजस्थान की 24 जिताने का काम, गुजरात तक जाके जिताया है, हरियाणा में आज तो हमारे घर की लड़ाई, आज तो यही रणभूमि है, मगर समय कम। और इस रणभूमि को अगर आज हमें विजय प्राप्त करनी तो साथियों फिर एक दूसरे की बात नहीं, कंधे के साथ कंधा मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिर चाहे लाठी चार्ज हो, चाहे वाटर कैनन चले, आप जैसे
साथी थे, गोपी के घर तक भी पहुंच गए। रोक पाया था, चौक पे बैठे रहे ना, किसी आए हो, एसपी आए हो, आपका ले आप जैसे साथी थे। सांपला के अंदर जब सर छोटू राम जी की मूर्ति पर कोटाला साहब का पत्थर लगाने गए, आप जाके देख के पत्थर भी है और पत्थर के साथ साथ आप तो 1 नवंबर तक का टाइम दे के आए जब मूर्ति तो नौ नहीं आ गया था कुलबीर की। ये तो आपका हौसला है। इस हौसले को किस तरीके से बच्चों के लिए आपका बचपन आपकी जिम्मेवारी। और मैं एक निवेदन करता हूं, संतन जो जिम्मेवारियां देता है, जिस पद पे जिम्मेवारियां देता है, उस चीज को हम सबको आगे लेकर चलना। आज प्रदेश की जिम्मेवारी सरदार निशांत सिंह, उनके अंदर जिम्मेवारी जिले की धर्मपाल पटौरी, उसके बाद सैनी साहब की, संदीप जी की, संजय की, मनोज की, उसके साथ संगठन के अंदर और जिम्मेवारी। इसी प्रकार से बैकवर्ड की जिम्मेवारी हो, आध्यात्मिक सर की जिम्मेवारी हो, एससी की जिम्मेवारी हो, अपने 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 शहरों की नीति संगठन को खड़ा करना शुरू करो। एक दिन में संगठन नहीं खड़े होते, संगठन खड़े होने में समय लगता है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि 90 से 90 हल्कों पर जल्दी से जल्दी संगठन खड़ा, पर उसके अंदर त्याग की भावना भी जरूरी है। मुझे बड़ी खुशी हुई अभी राम जी मेरे पास आए, आकर कहता है कि फैसला जो आपने लिया हमें स्वीकार। ऐसे बहुत से साथी तो मेरे से रुष्ट हो जाते, एक तो साथी को सीधा मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं बाय 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 बाय, तो आगे सुबह क्या होगा, क्या हो गया, ना गुस्सा आ गया तो कोई बात नहीं, मैंने उठनी है मैं उठूंगा। अगर साथियों आज से ये फल तुम्हारा होना चाहिए, फलों की तरफ मत सोचो। अगर आज किसी चीज के बारे में सोचना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने बूथ पे कैसे जिताएंगे। हर जब शुक्रवार वहां तक सीमित नहीं है कि अपना पद ले लिया काम करेगा। ये तो लोकसभा का चुनाव आ गया, जिस जिसको पद मिले वो लोग अगर अपने गांव में अपने बूथ पे नहीं जिता पाएंगे तो उनको चिट्ठियां भेज दे कि इस्तीफे दो। नए लोगों को जिम्मेवारी ये कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है। अगर वो निष्ठा भाव से अपने संगठन के लिए काम करता है तो सबसे पहले उसकी जिम्मेवारी है वो बूथ पे अपने संगठन को मजबूत करे, फिर अपने वोट गांव में करे, फिर अपने जाकर हल्के में करे। और जो जिम्मेवारी निभा सकता है, जो जिम्मेवारी कर सकता है पूरी, उसको संगठन जरूर आने वाले समय में मान सम्मान देव को इससे भी बड़ा दे। पर साथियों रेस के लिए समय कम है, अब अपने पास 3 किलोमीटर की रेस के लिए 8-10 राउंड नहीं है कि हम भागते रहे। अब तो 100 मीटर की दौड़ है 35 दिनों, और 35 दिनों में जब ही कामयाब होंगे जब हम सब एकजुट होकर हाथ से हाथ मिलाकर संगठन की मजबूती के लिए काम करने का कार्य करेंगे। आप खुद सोचो 53 जवान शहीद हो पिछले 15-16 दिनों के, 53 जवान की शहादत को भारतीय जनता पार्टी का संकल्प कैसे बना रहा है। ये एक विंग कमांडर वापस आया जिनेवा कन्वेंशन के, और आज बीजेपी अलग मोटरसाइकिल ले लेके झंडे लेकर घूम रहे, वो भूल जाते हैं कि वो 53 जवान इस भारत माँ के सपूत थे जिनने अपनी शहादत दी। वो भूल जाते हैं उन माओ को जो पीठ थपथपा के बॉर्डर पर अपने बच्चों को भेजते हैं। ये बीजेपी वाले भूल जाते हैं इस हरियाणा की धरती को जिसे हर 10वां जवान जाता है, पर वो तो एक भी जानते कि विंग कमांडर अभिनंदन वापिस आ गए। क्या वो जनेवा कन्वेंशन से आया, कारगिल युद्ध में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, एक पायलट हमारा वहां गिरा, उस पायलट को भी 5-4 दिन में वापस भेजा पाकिस्तान की सरकार। ये तो कानून आपको भेजना पड़ेगा, पर बीजेपी वालों ने क्या हालात बना दिए देश के। मैं पीछे मोबाइल पे देख रहा था, एक व्हाट्सएप आ रखा था, लिखा था हर हर मोदी, घर घर मोदी, बम बम मोदी।
जैसे कृष्ण ध्यान देने के लिए नरेंद्र मोदी ध्यान देने के गया था, वो बहुत छोड़ के आया आज हमें घर वायुसेना पर, जिसने हमारे देश पे कोई दुर्घटना हुई उसमें एक्शन लिया। पर साथी ये समझना पड़ेगा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, हम बढ़ते रहेंगे टूटते रहेंगे। पहले जाट की बात के मेयर के चुनाव है, कतार में पंजाबी नॉन पंजाबी कर दिया, हिसार में बढ़िया नॉन बढ़िया कर दिया। आज अभिनंदन वापिस आया, तमिलनाडु में वोट दिए थे तो अभिनंदन हिंदुस्तानी नहीं है, मोदी जी कहते अभिनंदन तो तमिल। बुजुर्गो युवा साथियों, ये बीजेपी बांटती रहेगी और बढ़ते रहे, पर अब समय है बटना छोड़कर एक होकर आगे बढ़ने का काम करें।